इंडिया में एक्सीडेंट होने का एक सबसे बड़ा रीजन है लोगों को कानून का कोई डर नहीं है और हिंदी में जो भौकाल कहा जाता है वो लेकर 90 परसेंट लोग सड़क पर गाड़ी चलाते हैं और अगर वो इंसान एक करोड़ों के कारोबार करने वाली कंपनी का मालिक हो तो उसका भौकाल और स्पीड क्या हो सकती है ये बात सोचने वाली है आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे शेयर जरूर करिएगा अगर इन बातों से सहमति रखते हैं तो रिसेंटली न्यू हरियाणा के पास एक रोल्स रॉयस फैंटम के एक्सीडेंट के बारे में आप सभी जानते होंगे एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद कोई भी नाम सामने नहीं आ रहा था कि गाड़ी किसकी थी और यह गाड़ी अकेली नहीं थी यहां 10 से 12 गाड़ियों का एक काफिला था जो गुड़गांव से जयपुर की तरफ एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे गाड़ी में सवार थे गुटका इंडस्ट्री के किंग यानी विकास मालू और उनके साथी तो एक बात हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी जानते हैं कि लोगों में डर नहीं है यहाँ तक कि आम आदमी भी सड़क पर फन्ने खां बनकर घूमते हैं कॉमन मैन और इज इट ऑल्सो द रिच मैन जस्ट आवर्सोडिक एक्सीडेंट मेनी कार्स कॉन्वॉय बिगेस्ट एंड सेफेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन दर्ल्ड ऑफ द ट्रक फ्रॉम वट वी नो एज ऑफ न्यूज रिपोर्ट इट is it just an attitude that everyone has on our highways I'm just, now first of all the most important thing is there is no fear about the law and no respect for the law in the majority people's mind and that is to be a big problem तो उनका हक बन जाता है कि वो 200 से 250 किलोमीटर तक भी गाड़ी भगाएं। या इनके ने टोल भी नहीं दिया और वीआईपी लाइन से निकलकर चले गए जिसके हकदार देश के मंत्री या डिफेंस फोर्स के लोग ही होते हैं पर इन गाड़ियों के काफिले का भौकाल इतना ज्यादा था कि टोल वालों की क्या ही औकात थी इनके सामने विकास मालूम गाड़ियों का शौक रखते हैं और इनके पास कई सारी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन मौजूद है यहाँ ये अकेली गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो 10 करोड़ तक की आने वाली कार है यानी कि रोल्स रॉयस फैंटम तो ऐसे मल्टीपल कार्स इनके पास हैं अब गाड़ी ऑलमोस्ट टू से टू किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बताई जा रही थी जिसमें टैंकर को पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी और फिर गाड़ी खत्म हो गई जिसमें कार सवार तीन लोग तो बच गए क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा सेफ थी पर जिस टैंकर पर टक्कर मारी उसमें बैठे ड्राइवर रामप्रीत और असिस्टेंट कुलदीप की डेथ हो गई और तीन लोग भी यहाँ इंजर हुए विकास मालूक को बचाते हुए उनकी कॉन्वॉय के लोग जल्दी आए और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ ले गए पटरक और असिस्टेंट को देखने वाला वहां पर कोई भी नहीं था यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है पर इंडिया की एक सच्चाई है इस स्पीड पर चलने पर यह भी साफ तरीके से कहा जा सकता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक खुला मर्डर है क्योंकि जिस हाईवे की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है वहां पर अगर टू थर्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर गाड़ी भगाई जाए तो और क्या होगा शायद एक दस करोड़ की गाड़ी में बैठा इंसान तो बच जाए पर ट्रक वाला या कोई दूसरी कार वाला यहाँ पर नहीं बच सकता ट्विस्ट इन द टेल ये है कि अब विकास मालूम के वकील बता रहे हैं कि गाड़ी यहाँ ड्राइवर चला रहा था ये बहाना इतना पुराना हो चुका है पर आज भी कारगर है ऐसे केसेस में इन लोगों को बचाने के लिए पर जज साहब यहाँ ट्रायल के वक्त ये क्यों नहीं पूछते कि माना ड्राइवर गाड़ी चला रहा था पर मालिक के बगल में बैठे होने के बाद बिना परमिशन के क्या ऐसा हो सकता है और क्या वो ऐसा करेगा क्या ड्राइवर का भी अपना कोई सिस्टम चल रहा है जो मालिक बोल रहा है धीरे चल और वो स्पीड बढ़ाया जा रहा है वो भी 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रेस लगा रहा है यहाँ ये साफ़ एक रेस लगाने का मामला नज़र आता है पर पॉसिबल है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि कानून में फिर कोई लूप होल्ड ढूंढा जाएगा और इस केस में बाइज इन्हें बरी कर दिया जाएगा तो भाई डरेगा कौन और ये सिलसिला आगे भी चलता जाएगा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था कि इस घिसे पिटे रिकॉर्ड को बंद किया जा सके इंडियन मूवीज़ में हम भले ही सच की जीत होते हुए दिखाई देती है पर रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है और शायद जब तक खुद रिस्पॉन्सिबल होकर या डर कर स्पीड लिमिट ट्रैफिक रूल्स को फॉलो लोग नहीं करेंगे ऐसे मल्टीपल एक्सीडेंट्स आगे भी होते रहेंगे बाकी आपने हमारी बातें अगर यहाँ तक सुनी हैं और इन बातों से थोड़ा भी अगर एग्री करते हैं तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नितिन गडकरी साहब तक ज़रूर पहुँचाएँ साथ ही पी मोदी जी तक भी ये वीडियो पहुँचना ज़रूरी है और एक सही एक्शन लेकर यहाँ एग्ज़ाम्पल सेट करना भी आपके कमेंट्स भी यहाँ काफ़ी मायने रखते हैं तो अपनी राय ज़रूर दें इस पूरे एक्सेंट के बारे में इस भोकाल कल्चर को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना इस एक्सेंट का सिलसिला चलता चला जाएगा